स्थापना दिवस प्रोग्राम चल रहा है चिन्हित अपराधियों के नाम घोषित कर सिख गद्दारी का खंडन करवाया जाए। हत्यारों के मकानों पर गुंडागर्दी कार्रवाई कर ध्वस्त किए जाने, पीड़ित परिवार को आत्महत्या सत्र लाइसेंस दिया जाए, पीड़ित परिवार के भरण पोषण के लिए 50,00,000 का मुआवजा दिलाया जाए। आरोपी अमर सिंह तोमर के नाम से राम सिंह तोमर के नाम से 315,000 उनके घर पर गाड़ी घोड़ा खड़े थे साहब, अभी तक मिठाई गए, दूसरे का गौरव गौतम भाई खुद हो जाते हैं। उनकी गाड़ी घोड़ा तो खाले कम से कम उससे यूज कर रहे हैं, सवेरे आए अपने घर खोल के सामान लेकर ले जा रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस को लगाना फोर्स लगाना चाहिए, नहीं खुला है सर, खुला नहीं है क्या? नहीं घर में तो बंद है ना, मैंने खुला देखा है, आ रहे जा रहे हैं ना, सामान ले जा रहे हैं इनका। रेड की कार्रवाई हमने चालू कर दी है, सुनिए हम रेड की कार्रवाई हमने चालू कर दी है, हमारी टीमें चार बना दी है हमने साहब ने साहब ने, और तत्काल उनके जितने भी टेक्निकल एविडेंस है और जितने भी मैनुअल एविडेंस है उन सबको कलेक्शन हमने चालू कर दिए है, और उस पर जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट। उनके सर उनके जो गाड़ी उनकी खुद की खड़ी है राम सिंह, अभी ताला लगा दिया नहीं सर, आपसे एक निवेदन है, हमारा पहली बार कह रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं, हमारा जीवन में कभी ना का हमारा भाई मरा है। दूसरी बात, हमारे बच्चा अगर मारपीट करते हैं तो पुलिस हमारे घर के बात तोड़े आती है, अच्छा, और महिला उठा ले आती है। आज हमारा भाई मरा है, बाका कहो ताला तोड़ो, किसी ने ताला तोड़ा? पहले एक बात समझ लो आप, पहले कार्रवाई अलग अलग कार्रवाई होगी, अलग अलग कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी पूर्ण, आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, पूरी कार्रवाई होगी, सर पूरी कार्रवाई। हिसाब से निवेदन है आप हमारे सम्माननीय जी लोकल पुलिस वाला नहीं नहीं होना चाहिए, यहाँ का पूरा भेंट चलेगा कोई भी, क्योंकि यहाँ वही करते हैं जिसका रलिया हो रहा है, ठीक है ना। एडीएम साहब आए, नहीं मांगे हैं जो विष्णु यादव की हत्यारोपित पुलिस थाना देहात कोतवाली बिना दर्ज अपराध में चिन्हित अपराधी पर इनाम घोषित कर सिख गद्दारी कर दंड लगाया जाए। हजार हत्यारों के मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर ध्वस्त किए जाए, पीड़ित परिवार को आत्मरक्षा शस्त्र लाइसेंस दिलाया जाए, पीड़ित परिवार के भरण पोषण के लिए 50,00,000 रुपए का मुआवजा दिलाया जाए। आरोपी अमर सिंह तोमर के नाम से राम सिंह तोमर के नाम से 315 बोर और शस्त्र लाइसेंस व्यस्त कराई किए जाए। इससे बोलिए प्रशासन हमको मकान का जो अवैध कब्जा है, अगर आप उसके लिए प्रमाणीकरण मांगेंगे कुछ लोन देने के लिए तैयार है, कहाँ का अवैध कब्जा है? लोगों ने अवैध मकान लेने का कब्जा कर जिस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हो आप हमें बताएं, वो हम आज कार्रवाई आज तक अपराधी हैं तो पहले से मकानों को तो गिराने लाने का भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, पर्याप्त जांच के बाद पूरी अगर उनका एक इंच भी होगा अवैध कार्रवाई का तो हम भी विचार बिल्कुल लाइसेंस वगैरह का आप आवेदन वगैरह दोगे तो आगे संख्या वगैरह आएगी ना कराएंगे कल सोमवार को, और ये इनाम वगैरह घोषित करा देंगे। नहीं पर लाइसेंस है हमारे साथ मुनासिब है अभी करने तो उनके कार्रवाई चालू कराने की कार्रवाई चालू करा देंगे। हमारे दो लाइसेंस देने के लिए आज देने के लिए आवेदन दोगे ना? हाँ वही ना जी।
अपराधी जो है सर वो बहुत अपराधी किस्म के हैं, उनपे मतलब 200 मुकदमे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले अपराधी उन पर 300-300 लूट मतलब सारी ऐसा कोई केस कोई नहीं नहीं हो जो उन पर ना हो। भले हम दारू बिकवा रहे हैं, दारू कार्रवाई है उनकी, वो कार्रवाई हो रही है घर से, दारू बिकवा रहे हैं, दारू अगर छापा दवाई ना आवश्यकता पड़े तो हम बिल्कुल निकलवा के लाइसेंस के लिए लाइसेंस बताया तो आवेदन देने पड़े, बिना आवेदन के थोड़ा होगा, आवेदन होगा रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई करा दी और उनके कैंसिल करा दी। एविडेंस कलेक्शन है वो करके उनकी कार्रवाई करें, आपको जल्दी रिजेक्ट बिल्कुल नहीं खाना तो बंद है ना, मैंने बोला था इंसान है, इंसान ना तो पत्रकार उनके जितने टेक्निकल एविडेंस है जितने भी मैनुअल एविडेंस है सबको कलेक्शन हमने चालू कर दिया और उसमें जल्दी से जल्दी आपको गाड़ी उनकी खुद की करी है राम सिंह, अभी ताला लगा रही हूँ रखवा सकते